हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSL स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स. इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 10.4 पार्ट 2 वी आर डिस्कसिंग ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट. हम कुछ देख के आए हैं. नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज एंड उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, की वेक्टर प्रोडक्ट एडिशन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ये वाली देखते हैं. इफ़ ए बी एंड सी आर एनी थ्री वेक्टर्स एंड लैम्डा बी ए स्केलर, ए बी सी कोई भी तीन वैक्टर्स है और लैम्डा कोई भी स्केलर है, देन उस केस में हम क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी प्लस सी. बी और सी वैक्टर है तो इनके बीच में ये जो प्लस लगा है, दिस इज कॉल्ड वैक्टर एडिशन. और ये इन दो वैक्टर्स को ऐड करूंगी, देन आई विल अगेन गेट ए वैक्टर. सो दिस इज नोन एज द वैक्टर प्रोडक्ट. ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये क्या है? वैक्टर प्रोडक्ट है. तो ये डिस्ट्रीब्यूट होएगा, यानी वैक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडिशन पे, यानी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. इसी तरह से लैम्डा अगर कोई स्केलर है तो दो प्रोडक्ट्स का दो वैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन लैम्डा ए क्रॉस बी किसके इक्वल होएगा? पहले आप लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई करा लो, फिर उसका वेक्टर प्रोडक्ट करवाओ बी से, या फिर ए को पहले बाहर लेके फिर उसका वेक्टर प्रोडक्ट हम करवा सकते हैं लैम्डा बी से. इस तरह से ये जो लैम्डा स्केलर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ए के साथ भी एंड बी के साथ भी. नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, लेट ए एंड बी बी टू वैक्टर्स गिवन इन कॉम्पोनेंट फॉर्म. सपोज आपको अगर ए और बी वैक्टर्स कॉम्पोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं तो आप इनका वैक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो ए एंड बी में मान लेती हूँ कोई भी दो वैक्टर्स है जो कि कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन है. मुझे ए दे रखा है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड बी वैक्टर मुझे दे रखा है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप. देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट मे बी गिवन बाय, तो उस केस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैं किससे दूंगी? मैट्रिक्स से दूंगी. ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप ए वन ए टू ए थ्री. पहले ए वैक्टर के कॉम्पोनेंट लिखेंगे एंड बाद में बी वैक्टर के, क्योंकि हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं. अगर बी क्रॉस ए लिखूंगी तो यहाँ पे आई जे के बी वन बी टू बी थ्री एंड ए वन ए टू ए थ्री हो जाएंगे. नाउ मैट्रिक्स हम सबको खोलनी आती है, हम इसको कैसे खोलेंगे स्टूडेंट्स? ए क्रॉस बी ये जो दे रखा है तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा? आई कैप. सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू. सेकेंड में हम क्या लगाते हैं? माइनस जे कैप. जैसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट किया तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन एंड प्लस के कैप. जैसे ही लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम को डिलीट किया ये हमारे पास हो गया ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू. सो ये बात हुई हमारी वेक्टर प्रोडक्ट की. अब ये हमारे पास किस तरह से आया है, हम चाहे तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने इसको किस तरह से हमने इसको ऑब्टेन किया है. तो जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, इसका प्रूफ अगर मैं आपको लिखवाती हूँ तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है कि हमको पता है ए क्रॉस बी क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. तो मेरा ए दे रखा है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप क्रॉस बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप. सो दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना होगा? क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा. सो सबसे पहले ए वन का ए वन आई कैप का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगी यहाँ पे इस पूरे से बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप. देन सिमिलरली प्लस ए टू जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप. सिमिलरली प्लस ए थ्री के कैप का यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप से. ना हमको पता है ये क्या होगा? ए वन बी वन आई कैप क्रॉस आई कैप. सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट आएगा आई कैप क्रॉस आई कैप. नेक्स्ट ए वन बी टू आई कैप क्रॉस जे कैप एंड नेक्स्ट इज ए वन बी थ्री आई कैप क्रॉस के कैप प्लस ए टू बी वन जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए टू बी टू जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए टू बी थ्री जे कैप क्रॉस के कैप. नेक्स्ट इज प्लस
A3B1 K cap cross I cap plus A3B2 K cap cross J cap plus A3B3 K cap cross K cap. अब जो self है यानी I cross I this term will be 0, J cross J this term will be 0 and K cross K this term will be 0. So only ये जो non zero terms हमारे पास बची है वो सिर्फ ये कुछ ही terms हमारे पास यहाँ पे left over हुई है. अब मेरे को पता है students, देखो by properties से मैं क्या कह सकती हूँ कि I cross J यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ I cross J, तो I cross J मेरे पास कितना होता है students, I cross J is equals to K cap. तो ये हो गया A1 B2 K cap plus now I cross K. now I cross K यहाँ पे हमको पता है कि अगर हम cyclic order में चलते हैं कि ये मेरा I है, ये मेरा J cap है और ये मेरा K cap है, अगर मैं anti clockwise direction में चल रही हूँ तो ये क्या आएंगे students, positive आएंगे, है ना. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही हूँ तो I क्रॉस J इज इक्वल्स टू K. अब I क्रॉस K क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी A1 B3 माइनस J कैप. देन J क्रॉस I, J और I ये भी कैसा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये भी क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव आएगा, यानी दिस इज इक्वल्स टू माइनस K कैप. देन प्लस A2 B3, J क्रॉस K, J से K की तरफ अगर मैं चलती हूँ तो K क्रॉस J जो होता है, K क्रॉस J पॉजिटिव होता है. देन यहाँ से J क्रॉस I जो होता है ये भी पॉजिटिव होता है, और फिर यहाँ से I क्रॉस K भी क्या होता है, क्योंकि ये एंटी क्लॉक, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है वो हमारा नेगेटिव चलता है. और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा. सो यहाँ पे जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जे क्रॉस के किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल, तो ये हो जाएगा I कैप. देन नेक्स्ट वन इज द प्लस A3B1 K क्रॉस I इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दिस विल बी J कैप. एंड प्लस A3B2 K क्रॉस J इज पॉजिटिव, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस I कैप. तो यहाँ से हमको जो वैल्यूज मिली है स्टूडेंट्स, अगर मैं I कैप के कोफिशियंट्स को इकट्ठा करती हूँ तो I कैप का कोफिशियंट मेरे पास कितना आ रहा है, A2B3 माइनस A3B2 प्लस J कैप के कोफिशियंट को कलेक्ट करती हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है A3B1 माइनस A1B3 एंड प्लस K कैप के कोफिशियंट को अगर मैं कलेक्ट करती हूँ तो दिस विल बी A2B1 हाँ. अब यहाँ पे ये सब स्केलर्स है ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3, दीज ऑल आर स्केलर्स, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, I कैप A2B3 माइनस A3B2 माइनस J कैप A1B3 माइनस A3B1 प्लस K कैप A1B2 माइनस A2B1. सो दिस इज नथिंग, ये देखो ये दोनों चीज सेम आ गई, तो ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मैट्रिक्स I J K A1 A2 A3 and B1 B2 B3. तो अगर मेरे को दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं तो बाय दिस फॉर्मूला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्टली निकाल सकती हूँ. सो इसकी एक अप्रोच देखते हैं हम. एग्जांपल नंबर 22 कह रहा है, फाइंड A क्रॉस B इफ A एंड B आर गिवन. तो हमको वैक्टर A दे रखा है, 2i कैप प्लस J कैप प्लस 3k कैप. एंड वैक्टर बी मेरे को दे रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप. सो मेरे को A क्रॉस B, सबसे पहले मैं निकालती हूँ A क्रॉस B, देन मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज माय A क्रॉस B, मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स से लिख सकती हूँ I कैप J कैप K कैप A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3. ये मैंने इसकी वैल्यूज रख दी. सिंपली मैं इसको सॉल्व आउट कर लेती हूँ. I कैप माइनस 2 माइनस 15 माइनस J कैप
माइनस फोर माइनस नाइन प्लस के कैप 10 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस 17 आई कैप 9 एंड 4 इज नथिंग बट माइनस 13 माइनस एंड माइनस प्लस 13 जे कैप एंड प्लस 7 के कैप. सो मेरे ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस 17 आई कैप प्लस 13 जे कैप एंड प्लस 7 के कैप. नाउ इफ आई विश टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए हमको पता है हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है, यानी माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर एंड प्लस 7 का स्क्वायर का रूट लेना है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस 17 का स्क्वायर, सो 17 इंटू 17 हम यहाँ पे देख लेते हैं, 7 7 49 1 1 9 7 and 1, so this is 9 8 and 289, so this will be 289. 16 13 ka square is nothing but 169 and plus 49, so this value comes out to be, jaise hi hum isko add karenge, 9 9 18 and 27, so 7 8 and 2 10 22, 2 2 4 and 5, so this value is nothing but root 507. So magnitude of A cross B कितना हो गया students, 507. इस तरह से with the help of cross product हमने ये values, इस तरह से हम दो components में अगर मेरे को vector दे रखे हैं तो मैं इस तरह से इनका cross product निकालूंगी. So एक बार आप इसकी अच्छे से practice कीजिए इसको निकालने की, आपको एक दो questions करेंगे तभी हमको जाके और अच्छे से clear होगा. Till then students, thank you.